हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अनिल, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल रीडिंग में बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कमोडिटी है क्रूड ऑयल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट। डेट है 26 अक्टूबर 2022। टाइम हो रहा है रात के 8:50। दिन है बुधवार का। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जो क्रूड ऑयल का वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने लगभग 6,800 के आसपास हमने बाइंग बताई थी। उसका टारगेट बताया था लगभग 7,300 के आसपास। वो टारगेट भी अच्छी हो चुका है। और उसके पहले भी एक हमने सेल कॉल दी थी जो कि 7,500 के आसपास थी, और वहाँ से हमने सेलिंग बताई थी। 6,800 का टारगेट बताया था, और ये दोनों टारगेट भी अच्छे हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको देखना हो तो आप हमारे वीडियो की जो लिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं आज का जो कमोडिटी है क्रूड ऑयल नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अभी कहाँ पे खड़ा है। लगभग ये 7,200 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, और इसका जो लेटेस्ट हाई जो है 7,600 के आसपास और 700 के आसपास बना हुआ है, और इसका लो जो है लगभग 6,700 के आसपास बना चुका है। और इसमें अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में जो लगातार गिरावट देखने को हमें मिल रही है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, उसका असर इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर तो इसमें सपोर्ट की बात की जाए तो ये लगभग 6,700 का इसमें का भी लेटेस्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस इन सपोर्ट के नीचे चला जाता है और सस्टेन रहता है तो बाज़ार में आप मंदी की उम्मीद रख सकते हैं। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग 7,600-7,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उस लेवल का भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाके ब्रेकआउट देता है, सस्टेन रहता है, तो आप आने वाले दिन में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए तो अभी लगभग सपोर्ट लेवल पे खड़ा है और पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। वीकली में भी आपको सपोर्ट लेवल पे ही है और पॉजिटिव मोड में है। डेली में भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो बायर है उनके लिए सलाह रहेगी, आप बाइंग करके चल सकते हैं। आप अराउंड 7,100-7,200 के आसपास अगर आपको कहीं मिलता है तो आप वहाँ से बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा 7,600 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 6,900 का। बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही मैंडेटरी है, इस बात को आपको माइंड में रखना है। अगर आपने ऊपर के लेवल पे बाइंग किया है तो ये सही समय यहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं, लगभग 7,100 के आसपास, 7,200 के आसपास, और आने वाले दिनों में आपको लगभग ऊपर 7,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे आप आगे की रणनीति कर सकते हैं। जो सेलर्स हैं उनके लिए एडवाइस भी रहेगी, अभी सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, बाइंग करके आप चल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको लगभग 7,700 के आसपास जो मैंने लेवल बताए थे वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हमारी इस कॉल पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको, जैसे कि हम हर बार बताते हैं, कि आपके किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिए, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखे, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा रखे, आपकी ट्रेडिंग की जिम्मेदारी खुद लीजिए, लॉस की, प्रॉफिट की, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना ना पड़े और आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो।
आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई राय हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद फ्रेंड।